हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद, जो कि सबकी फेवरेट होती है। तो यहाँ पे मैं आज कलाकंद बनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं हम कलाकंद बनाना। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध इसमें कढ़ाई में डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया। दूसरा कंटेनर लिया है, उसमें मैं 1 लीटर से ज़्यादा यानी कि 1.5 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ। टोटल मिला के मैंने 2.5 लीटर दूध का यूज़ किया है छेना बनाने के लिए। छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध का यूज़ किया है, टोटल मिला के 2.5 लीटर दूध। फुल क्रीम दूध है ये, इसको हमें छीना बनाने के लिए बॉईल करना है अच्छी तरह से। जितना हम बॉईल करके अपने दूध को रख देते हैं फुल, हमें उसको बिल्कुल गुनगुना या गर्म नहीं करना, बॉईल करना है। यहाँ पे मैं इसको चलाती रहूँगी। ये वाला देखो, एक बॉईल हो गया है ये। अब हम इसको इतना मतलब गाढ़ा कर लेंगे, गाढ़ा मतलब काफ़ी इसकी क्वांटिटी को घटा देंगे, इसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बाउल में पानी लिया है, उसके अंदर मैंने वाइट विनेगर को इन दो पानी और वाइट विनेगर मिक्स कर लिया है। अब हम धीरे धीरे करके ये जो मिल्क हमारा, ये दूध जो हमारा गर्म हो रहा था उसके अंदर डालें, ताकि हमारे छेना बनके तैयार हो जाए। और मैं इसमें विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगी। और हमें छेने को बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना, छेना सॉफ्ट होता है, ताकि हम इसीलिए हम उसको ज़्यादातर मिठाइयों में यूज़ करते हैं। तो मेरा छेना, अब आपको देखो, ये जिससे मैं अपने दूध को चला रही हूँ उस पर अलग अलग से होने लग गया है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो दूध है वो छेने का रूप ले रहा है। यहाँ पे मैंने सारा छेना के दूध के अंदर सारा विनेगर जो मैंने मिक्स किया था वो मैंने डाल दिया। ये देखिए, अलग होने लगा है हमारा दूध और छेना। दूध से हमने छेना बनाया है। इसमें हम लोग इसमें पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैंने वो नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल इसमें दूध की मात्रा नहीं रह गई है, तो ये मेरा छेना बन के तैयार हो गया। मैंने गैस बंद कर दी है, इधर मैं इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से लगे ना, अगर ये लगेगा तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी। यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ा था और इसको मैं छान लूँगी। सूती कपड़े से मैंने इसको पानी इससे जो छान लिया है अलग कर लिया है। अब मैं इसको उसी भगोने में यूज़ कर रही हूँ वॉश करने के लिए, यानी कि मैंने इसको 2-3 बार धोना है, पानी से साफ़ करना है, ताकि इसमें खट्टापन ना रहे जो विनेगर का होता है, ताकि आपकी मिठाई में किसी भी तरह की कोई ऐसा टेस्ट ना आए जो हमें अच्छा ना लगे। इसमें से पानी से मैं इसको पानी निकाल देती हूँ इसका। मैं इसको दोबारा से वॉश कर रही हूँ, एटलीस्ट 2-3 बार मैंने इसको वॉश किया है। इसको अच्छे से वॉश होने देंगे बिल्कुल। हो चुका है और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट है, ताकि इसका पानी से निकल जाए। हमें इसको टाइटली बंद नहीं करना है। अब इधर मैं इसको चलाती रहूँगी, ये देखो कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया। ये हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया, और जब तक हम इसको चलाएंगे तो इसका कलर मैंने इतना चलाया, इसका कलर बिल्कुल वाइट ही रहना चाहिए, ज़्यादा बहुत क्रीमी कलर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो कलाकंद है वो बिल्कुल वाइट नज़र आए, सफ़ेद दिखता है ना। तो और ये देखो, ये मैंने छान के अलग कर लिया।
ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। अब मैं इसको अब मैशर से मैश करूँगी ताकि जो भी हमने इसको सोक किया है उसकी डलियाँ बन गई हैं वो एक मतलब बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाए इसका। ये देखो मैं इसको मैशर से मैश कर रही हूँ। हम इसको काफ़ी अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश हो रहा है हमारा, ये सॉफ्ट हो रहा है, सॉफ्ट है काफ़ी। और क्योंकि कलाकंद सॉफ्ट ही होता है तो हमें ये ज़्यादा टाइट नहीं करना या बहुत ज़्यादा इसको पानी में दबाना नहीं है, कपड़े में इसको दबाना नहीं है। और मैं इसको हाथ से कर रही हूँ ताकि कोई कमी हो तो वो मैं चेक करके इसको अच्छे से और कर सकूँ। ये बहुत सॉफ्ट है, ये भी मेरा बहुत गाढ़ा हो गया है। ये हमें इसकी मात्रा इतनी ही ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम चीनी को मिला लेंगे। चीनी मैंने इसमें पहले ही डाली है, पहले ही आप इसमें चीनी को मिक्स कर लीजिए छेना डालने से पहले। और ये मिल जाएगी, मैंने इसमें थोड़ी चीनी डाल दी है, अब मैं थोड़ी और ऐड करूँगी। ये कलाकंद ज़्यादा मीठा नहीं होता। ये देखो मैं थोड़ी चीनी और डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये चीनी अलग से हमें खाने में ना लगे कि चीनी आ रही है। तो ये हमने पहले इसीलिए ऐड किया है। चला लेंगे हम इसको अच्छी तरह से। ये देखो इससे पता चलता है कि हमारी चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है, घुल गई है। इसमें डलियाँ नहीं आएंगी, चीनी की जो चीनी है वो नहीं लगेगी। मैंने इसमें छेना मिक्स करना है, इस टाइम पे ही हमें छेना मिक्स करना है। और हमें छेने को इतने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल पता ना चले कि हमने छेने की डलियाँ आ रही हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं। ये देखो मैं अच्छे से इसको चला रही हूँ तो इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि ये लगे भी ना, छोड़ना नहीं है। और ये बहुत अच्छे से चलाना है, ये साइडों से हटने लगेगा, हमें पता चलेगा कि हमारा जो कलाकंद है वो तैयार है। ये देखो ये बहुत अच्छे से मिल रहा है, मिक्स हो गया है। ये देखो ये जब मैं हटा रही हूँ तो ये हल्की अलग अलग तरह से हो रहा है, तो वो हमारा कलाकंद अब तैयार हो गया है। मैं इसको निकाल लूँगी, ये देखो। ओके तो मैंने इसको प्लेट में निकाला है, आपके पास कंटेनर है उसमें भी निकाल सकते हो ताकि ये साइडों से बैलेंस करके अच्छे से निकले। 2.5 किलो में ढाई लीटर दूध में मेरा इतना कलाकंद बन के तैयार हुआ है। और मैं इसको थोड़ा मोटा ही लेयर रखूँगी क्योंकि कलाकंद की बर्फ़ी थोड़ी मोटी होती है, सभी ने देखा है, खाया भी है। तो ये कलाकंद मेरा तैयार हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दूँगी। और इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको जब ये ठंडा हो जाए हम इसको निकाल लेंगे। और इसमें मैंने ये लगाए हैं पिस्ता इसमें मैंने गार्निश के लिए यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें हल्का हल्का इलायची डाल सकते हैं। अब मैंने ये कटिंग के लिए निकाल लिया, अब मैं इसको कट कर लूँगी, पीसीस कर लूँगी इसके। और ये काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट भी है और देखो इसके पीस भी हो रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से मेरा कलाकंद बनके तैयार है। मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये देखिए कलाकंद बनके तैयार है।